टू माय व्लॉग चैनल गाइस, अगले 24 घंटे के लिए मैं रहने वाली हूँ गाड़ी की डिग्गी में। गेस करो गाड़ी किसकी होगी? ऑफ कोर्स मयंक की। पिछली बार जब मैं उसकी गाड़ी की डिग्गी में छुपी थी तो उसने मुझे पकड़ लिया था और अपनी गाड़ी से निकाल कर था। तो आज मैं उसको सामने से बताकर उसकी गाड़ी की डिग्गी में रहने वाली हूँ और उसको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हूँ। मयंक आ गया नीचे और उसको नहीं है कोई भी आइडिया कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। मेरे स्वागत में भी तैयार है यार। सर 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 कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया हूँ, अच्छा लगा। चल इधर आ, गाड़ी की डिग्गी खोल। क्या स्कूल क्या कर रहे हो? मुझे बताया तो करो क्या चल रहा है। बताएंगे सारे, गाड़ी की डिग्गी खोल। डिग्गी में कुछ नहीं है। अरे खोल तो सही, पता चल जाएगा। ये हटा। क्यों? अरे हटाना, मुझे काम है जरूरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये तो कुछ चैलेंज नहीं है। यही तो चैलेंज है कि मैं तेरी गाड़ी की डिग्गी बनाऊंगी, जहाँ तू जाएगा वहाँ जाऊंगी, तेरे पे नजर रखूंगी और नजर आगे बैठ के रख ले, अगली सीट पे बैठ जा। गाड़ी की डिग्गी में ही रहूंगी मैं। क्यों? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। और तू बैठ नीचे, मैं जा रहा हूँ ऊपर। कुछ खाने में बनाए कुछ? हाँ बनाए। हम खा पी जाते हैं। भाई क्या करना चाह रहा है तू? इसका सिनेमैटिक बना ले काम कर, कढ़ी चावल का है ना। भाई जाके अपनी मैडम का शूट कर, वो चैलेंज कर रही है, डिग्गी में बैठी है, उसको शूट कौन कर रहा है? तुम मेरी छाती पे क्यों चढ़े हुए हो? वो खुद कर लेंगे, पर्सनल कैमरा। तुम मुझे रोटी खाते हुए शूट करोगे? वेल डन। तेरी वीडियो बन गई है तो कर जा भाई। अभी तो शुरू है भाई, पूरा एक डेढ़ घंटा लगा क्या है ये ऊपर, मैं इतनी देर से वेट करूं, अब आएगा तब आएगा। ठीक है, मेरे पे प्रैंक हो गया, चला जा भाई। प्रैंक भी कर रही थी। अरे हाँ यार, ये मजाक मत करा था। मैं सच्ची चैलेंज कर रही हूँ। ये क्या चैलेंज है यार? यार मेरे को सीरियस लेना पड़ेगा। हो गया मेरे पे, मैं भाई तो गाड़ी की डिग्गी में कैसे बैठ सकती है? मुझे 10 जगह जाना होता है दिन भर में। ठीक है, लगता है मैं तो गाड़ी में रहने दूंगा 24 घंटे। और तुझे लगता है कि तू मुझे निकाल पाएगा? चैलेंज कर रही है। आज हम देखते हैं गाड़ी में कैसे रह पाती है 24 घंटे, कैसे ये लूल चैलेंज अपना कंप्लीट कर पाती है, हम भी देखते हैं। टट्टी भी साफ रोक लेगी, हंसर डाइपर लगा लिया होगा, पर बाकी चीजें भी तो हैं। अरे भाई आराम से चला। बैर लगाओ भाई, जिसने डिग्गी बंद करो, डिग्गी बंद कर दो। अरे भाई विनय बंद करे, चला रहे हो यार। ओ भाई विनय बंद करे, गाड़ी चला रहे हो भाई। बहुत तेज गाड़ी चल रही है गाइस, ऐसे मेरे दिक्कत हो सकती है, पेट में, सर पे भी लग रही है। ये देखो, ये जानबूझ के ऐसी चीजें ना करे, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे भाई क्या कर रहे हैं यार, ऐसे बात कर रही हूँ, हटा रही हूँ दूरी यार। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। रुक यार, इसका इलाज करना पड़ेगा। जितनी भी गाड़ियाँ मेरे चल रही है ना, आ रही है, तो उनको ना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे देख के, कोई लड़की गाड़ी की डिग्गी में है। तो अगर तू तेज गाड़ी चलाएगा ना, तो मैं से ना हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाने लगूंगी कि मदद करो, ये मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं। फिर वो तू नीचे उतार लेंगे, जब तू हेल्प मांगेगी तो काम हो जाएगा मेरा। भाई एक घंटे से ड्राइव करके पता नहीं कहाँ लेकर आया मेरे को ये भाई, पता नहीं कौन सी जगह पे लेकर आया। बाहर सारे अंकल आधे आदमी बैठे हुए, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो करी है इसने। भाई मेरी गाड़ी धुलने जा रही है, देख ले उतर जा। कहा था ना आज मैं डिग्गी में, तो आज सारे काम होंगे। अब उतरेगी ना जब पानी पड़ेगा गाड़ी गाड़ी। भैया अंदर पानी वानी आता है क्या? बाहर ही नहीं निकलना भैया, मेरा चैलेंज चल रहा है कि मैं गाड़ी की डिग्गी में रहूंगी अगले 24 घंटे के लिए। हाँ 24 घंटे और 24 घंटे के लिए, प्लीज रहम खाना थोड़ा सा। यू आर चला ब्रो। बाहर खड़े हैं, देखो देखो इसको, चले चलता चले।
दिया पूरा। गाड़ी धुलते 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 मेरा क्या, मैं आराम से बैठी हूँ अंदर, मस्त खड़े तो मुँह है बाहर। बेचारे के पास ना कुछ है नहीं बोलने के लिए, शांत चुप बैठा बिल्कुल। तो गाइस अब टाइम आ चुका है इसको गाड़ी से नीचे उतारना। गाइस फिर से गाड़ी रुकी है इनकी, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो दिमाग के घोड़े दौड़ा ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। उतरना चाहती है, उतर जा, हो गया बहुत चैलेंज तेरा। अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, नहीं उतरेगी नहीं। यार गाड़ी ना पीछे से बहुत अजीब सी लगती है, खाली खाली सी, तो मैं सोच रहा हूँ पीछे कुछ डिजाइन बना देते हैं। क्या बोला तूने? अरे यार कैसी चाले चलते हो यार। अपनी गाइस मैं बना रहा हूँ डिजाइन है। अपने मुँह की बहुत टेक केयर करती हूँ, अपने फेस के लिए मस्त मामाअर्थ का राइस फेस वॉश यूज करती हूँ, जिसमे राइस वाटर और नायासिनामाइड जो मेरे फेस को डीपली क्लींस और हाइड्रेट करके ग्लास स्किन देता है। और उसके बाद मैं मामाअर्थ का राइस ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ फॉर मॉइस्चराइज एंड ब्राइटन स्किन। एंड आई यूज दिस रेंज डेली बिकॉज इट इज सेफ सर्टिफाइड, विच मीन इट कंटेन्स नो टॉक्सिन पैराबेंस और हार्मफुल केमिकल्स। और मामाअर्थ की सबसे अच्छी बात ये कि जब भी आप इनसे कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, ये आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट से लिंक करके एक ट्री लगाते हैं, और इनका एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाना। मामाअर्थ के प्रोडक्ट सभी ई कॉम लाइक नाइका फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो अवेलेबल है ही, पर अब मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपके नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। अगर आपको किसी स्टोर पर दिखे तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैंने इन सभी प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ परचेज करो और मेरा कूपन कोड यूज कर लेना तो 20% ऑफ भी मिल जाएगा। और मैं अपनी स्किन को लेके बिल्कुल सिक्योर हूँ, बिगाड़ना जो बिगाड़ना यही बैठी हूँ, जब है मामाअर्थ साथ में तो क्या डरना स्किन को लेके। भाई निशु अब भी नहीं उतरना ये हालत होने के बाद भी तुझे? मुझे लगता है कि मैंने अपना पूरा कपड़ा अपना बाल सब खराब कर लिया, इसके बाद मैं हिम्मत हारूंगी और उतरूंगी। हम तो उतर सकते हैं ना? हाँ उतर सकते हो भाई, बिल्कुल उतर सकते हो। ठीक है आयुष तुम मेरे साथ उतर के मॉल में कुछ खाना पीना चाहोगे? क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए चलो। देख रहे सबका पता नहीं पर ये आयुष तो इतना वो है ना, बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना किसी की तरफ नहीं रहता, ये अमेरिका का दलाल। गाइस इन तीनों के लिए एक गंदी बात कमेंट में लिख दो, गंदी बात धीरे जरा आयुष और मयंक के कोई गंदा चीज लिख दो कमेंट में। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ बैठी तो हूँ पार्किंग में, पर अगर किसी ने मुझे देख लिया भाई कि कोई एक लड़की काली गाड़ी में वो भी डिग्गी में बैठी है छुप के, क्या सोचेगा भाई? केस वेस हो सकता है नंदा के ऊपर, मैं तो भाई फुल मजे लूंगी, इनके खिलाफ हो जाऊंगी पूरा। तो ये वीडियो दिखा देंगे कि यार ये अपनी मर्जी से बैठी है, इसका चैलेंज चल रहा है। Women. गाइस 5 बजे के आसपास ये गए थे, 7 बजने वाले, 2 घंटे हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ ठूसने में या कुछ लेने में इतना टाइम लगता होगा, क्योंकि खरीदना तो इन्हें है नहीं, शॉपिंग ये नहीं करेंगे, मैं लिख के दे सकती हूँ, पर 2 घंटे अभी भी मुझे डाउट है कि आएंगे कि नहीं आएंगे। तो देखो देखो जिंदा है, ये जिंदा है, चलिए ऐसे 7 बज गया, मतलब 2 घंटा ये क्या कुछ खरीद के तो नहीं लाए? समय का पता नहीं चलता बहुत जल्दी, अच्छे समय का पता कहाँ चलता है। ये बेचारे गाड़ी में हारे वैसे बैठे हैं कि अब क्या करें, कैसे इसे हराएं, कैसे निकालें। देखो मैं तो टिकी हुई हूँ भाई, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, घर जाओ रोटी खाओ, सो जाओ यार, तुम तो नहीं हो पाएगा। काल के तो रहूंगा तुझे, साग से रोटी खा ले घर जाके, तुमसे ना हो पाएगा। गाइस तीनों फिर से इकट्ठे बाहर गए हैं दुकान पे, इस सामने वाली मार्केट में पता नहीं क्या लेने गए हैं। देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, और अब फिर से इनके ख्याली पुलाव पक रहे हैं, कुछ ना कुछ उबाल रहे हैं अपने दिमाग में, कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र चल रहा होगा पक्का। निशु सुबह से बैठी है, बच्ची भूख तो लगती होगी, भूख तो लगती होगी, लाए हैं बराबर, खाई जाती है।
डिग्गी बर्फ से भर दूंगा, इतनी बर्फ लाया। यार ये तेज बना मत कर, मैं तेरे साथ। अभी तो बर्फ पिघलेगी नहीं, अभी पिघलेगी ना पूरी जीन्स वीन्स सब में एकदम ठंडा पानी जाएगा, आ जाएगी बाहर, आ जाएगी। अब हम चलते हैं, चलो कहीं कुछ खाते हैं गाइस, लेट्स गो, डिनर का टाइम हो गया। देखो पूरा जुराब गीली हो गई है, पूरे जूते में पानी भर गया है। भाई जब तेरे पानी वानी भर गया, दिक्कत हो रही है, तो अब हार मान रही है ना। मैं सोच रही थी कि यार मैं रुक जाऊं, पर तीनों इन्होंने मेरे साथ मिलके तीन, एक लड़की के खिलाफ तीन लड़के खेल रहे हैं। क्या हार मान रही है क्या? बोल ना यार, क्लियर बोल। नहीं आज तो गाइस तुम्हें बेस्ट मोमोज खिलाऊंगा दिल्ली के। ले चलो भाई, चलो गाइस। अरे यार ऐसे मत करो यार, बहुत ज्यादा तेज चलते ना ये लोग। मेरे दिमाग में भी एक खतरनाक आइडिया है। देखो ये हमने अपना ऑर्डर है जो जोमेटो से कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ 12-13 मिनट में अपना सामान यहाँ आ जाएगा, और ये जो बाहर उछल रहे हैं ना, इन्हें भी पता चल जाएगा मेरी बुद्धि की ताकत का। अच्छा ये आप ही खड़े हो क्या भैया? इधर आ, इधर आ, डिग्गी दिख रही है आपको ये भैया? डिग्गी, हाँ डिग्गी खोलो, डिग्गी खोलो, डिग्गी खोलो। हाँ टेंशन की ले रहे हो आप, खुल गई। थैंक यू भैया, आपने पता मेरी कितनी हेल्प करी है, मेरा चैलेंज चल रहा है, मैं बाहर नहीं निकल सकती, तो मैंने डोमिनोज किया। थैंक यू डोमिनोज, और थैंक्स टू भैया। कहा था ना बुद्धि बहुत तेज है हमारी। तू तो गाड़ी से नीचे उतरी है ना? जहाँ कोई नहीं आता, क्या बोला था वहाँ जोमेटो डोमिनोज है आता। अरे भाई इसने जोमेटो कर दिया, इतने में हमने खाया। गाइस बेचारे थक हार के दोबारा मुझे घर ले आए, अब क्या ही करें बताओ, क्या ही करें, अब बस रात रात बची है, सब सह लेंगे अपन। अब इसको लग रहा है कि हमने अपने सारे हथियार चला दिए हैं, हम हार मान गए, और हार मान के गाड़ी घर पे लाके खड़ी कर दी, यानी कि अब ये चैलेंज जीत जाएगी रात को, क्योंकि रात को सर्वाइव करना तो मुश्किल नहीं है, पिज्जा विज्जा इसने खा लिया है या फिर कैसे भी करके बुझा लेगी इसको, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब इसका चैलेंज पूरा हो जाएगा, ये जीत रही है और हम हार रहे हैं, बट अब टाइम है अपना ब्रह्मास्त्र चलाने का। एक चीज ऐसी है जिसके बाद ये डिग्गी में एक मिनट भी नहीं। मैं निकलने वाली नहीं थी, हिम्मत करी सर, जान मुझके तेज चली है मेरे से, मुंह आ रहा है बात कुछ नहीं हो, मैं जीत गई, मैं हार गई, मैं हार गई हूँ, क्योंकि वीडियो यहीं पे एंड कर दो, लाइक कर दो, मेरे लिए लाइक कर दो क्योंकि मैं जीता हूँ, और सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे फ्यूचर में फिर ऐसी वाहियात हरकतें करे और मैं फिर इसको ऐसी हराऊं। मामा क्या प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट जरूर कर लेना। ओए